नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा मीडिया कर्मियों को आमंत्रित कर राम मंदिर निर्माण की प्रगति के बारे में दिखाया और बताया गया है। और इस दौरान जानकारी दी गई है कि अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य और दिव्य राम मंदिर के फाउंडेशन के बाद दूसरे चरण का काम यानी मंदिर के प्रथम तल के करीब 60% कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें लगने वाले 1,66,000 धन फुट में ही करीब 66,000 धन फुट पत्थर लग चुका है और इसके साथ ही तीव्र गति से निर्माण कार्य जारी है। आशा जताई जा रही है कि दिसंबर 2024 से पहले प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा और दिसंबर महीने में ही राम लल्ला के आदमकद बाल स्वरूप प्रतिमा स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। और यही नहीं, मंदिर निर्माण के साथ साथ ही आपको बता दें कि प्रारंभिक जरूरतें जैसे यात्रियों के सामान रखने, पार्किंग, विद्युत पानी का फायर स्टेशन भी तैयार किया जा रहा है। पिलर के ऊपर बीम, बीम के ऊपर छत, अंदाज है कि ये काम सब अक्टूबर तक फिनिश कर लेंगे। वो रखने के लिए चंपा जी, शाह साहब ने कहा कि 5 जनवरी को कि अभी रुक जाओ, आपने देखा गर्भगृह के आसपास चारों ओर दीवारें तैयार हो गई हैं। मंदिर की भाषा में इन दीवारों को मंडोवर कहा गया है। ये दीवार भी पत्थरों की ऊंचाई के अनुसार एक साथ ऊपर चल रही है। गर्भगृह के चारों ओर की दीवार के बाहर परिक्रमा मार्ग, वो भी बराबर साथ साथ ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। तो गर्भगृह में खंभों के चारों ओर दीवार के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, तीनों साइमल्टेनियस ऊपर जा रहे हैं। तो आपको खबर बता रहे हैं जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा ही मीडिया कर्मियों को आमंत्रित कर राम मंदिर निर्माण की प्रगति के बारे में दिखाया और बताया गया है। और इस दौरान ही जानकारी दी गई है कि अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य और दिव्य राम मंदिर के फाउंडेशन के बाद दूसरे चरण का काम यानी मंदिर के प्रथम तल का करीब 60% कार्य पूरा हो चुका है और जिसमें लगने वाले 1,66,000 घन फुट में से करीब 66,000 घन फुट पत्थर लग चुका है और इसके साथ ही तीव्र गति से निर्माण कार्य जारी है। आशा जताई जा रही है कि दिसंबर 2024 से पहले प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा और दिसंबर महीने में ही रामलला के आदमकद बाल स्वरूप प्रतिमा स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। यही नहीं, मंदिर निर्माण के साथ आपको बता दें कि प्रारंभिक जरूरतें जैसे यात्रियों के सामान रखने, पार्किंग, विद्युत पानी फायर स्टेशन भी तैयार किया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। काशगंज कोविड-19 वैश्विक बीमारी के दौरान ही टीकाकरण से छूटे जन्म से 5 साल तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण लगवाने के लिए एक मौका दिया है और यह मौका ननिहालों को निरोग बनाने के लिए 3 चरणों पूरा करने की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से अछूता ना रहे। बता दें आपको कि काशगंज जनपद के ही CMO कार्यालय में आयोजित हुई प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवध किशोर प्रसाद ने बताया है कि कोविड जैसी वैश्विक बीमारी की भाग दौड़ में 0 से 5 साल तक के बच्चों 5,02,995 बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए थे, जिसमें 60 बच्चों में खसरा के लक्षण मिले थे। इसको लेकर काशगंज जिले के भर में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 चरणों में अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी बच्चों का टीकाकरण हो सके। पहला चरण 9 जनवरी से 20 जनवरी तक, दूसरा चरण 13 फरवरी से 24 फरवरी तक, तीसरे चरण 13 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। और उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से आग्रह करते हुए कहा है कि अपने अपने बच्चों का टीका अवश्य लगवाएं, तभी आपका लाडला स्वस्थ और निरोग रहेगा। देखिए, कुल 52,795 बच्चे छूटे थे जिनको कोई ना कोई टीका नहीं लगा है,
इसमें से 10,575 बच्चे ऐसे हैं जिनको खसरा का टीका नहीं लगा था, और टीका नहीं लगने के वजह से 60 बच्चे हमको मिले हैं जो खसरा के शिकार हुए हैं। तो इसलिए यह अभियान चल रहा है और 3 चरणों में चल रहा है। यह प्रथम चरण 9 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगा, दूसरा चरण 13 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगा, और तीसरा चरण 13 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी काशगंज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जुम्मन कुरैशी। जुम्मन, जिस तरह से जानकारी सामने आई है कोविड टाइम पर टीका से छूटे ननिहालों को अब अवसर दिया जा रहा है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए जुम्मन। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जुम्मन, स्वास्थ्य विभाग ने अवसर दिया है काशगंज को लेकर खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि ननिहालों को अब अवसर मिला है टीका से लेके। जी आपको बता दो, कोविड-19 के टाइम में जो जो टीकाकरण से छूट गए थे, स्वास्थ्य विभाग ने उनकी तैयारी कर ली है टीकाकरण कराने की टीम, क्योंकि आपको बता दूं कि बच्चे लगे थे टीके से, लेकिन 60 बच्चे लक्षण मिले थे, और अपनी स्वास्थ्य विभाग काशगंज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तैयारियां कर ली है टीकाकरण के लिए, जो है बच्चों में टीकाकरण कराया जाएगा जिससे कोई भी बच्चा टीकाकरण से अछूता नहीं रहे। जी जुम्मन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो काशगंज से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कोविड को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। बता दें आपको कि इसको लेकर ननिहाल जो रह गए थे, जिन्होंने कोविड टाइम पर टीका से छूट गए थे, उनको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग यह अवसर दे रहा है। निषाद पार्टी के 10वें संकल्प दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में ही शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। निषाद पार्टी का संकल्प दिवस गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित हुआ था, और इस मौके पर देश भर से लाखों की संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से चुने गए निषाद पार्टी के सभी 11 विधायकों के साथ ही संत कबीर नगर के सांसद ई परवीन निषाद भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद शुरू से ही जमीन से जुड़े नेता रहे हैं, और ऐसे में संकल्प दिवस के अवसर पर वो जनता के बीच रैप करते हुए मंच तक पहुंचे, और इस दौरान जनता ने फूल मालाओं की बरसात कर अपने नेता का स्वागत किया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार में हमारे सहयोगी के रूप में शामिल निषाद पार्टी का हम स्वागत करते हैं। निषाद बिरादरी के साथ ही अन्य उनसे जुड़े सभी बिरादरियों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है, और हम सभी लोग मिलजुल कर सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि 13 जनवरी 2013 को हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी, और तभी से हम अपने 9 बड़े अचीवमेंट हुए हैं, उसके लिए हम कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होता, कार्यकर्ता ही पार्टी को बढ़ावा खड़ा करता है। इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात रखना, कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करना, उनकी एकजुटता का परिचय देना कि हम लोग एक हैं। अब हम केवल मल्ला बिंद में नहीं बटे, हम निषाद राज के खून हैं और भगवान राम के दोस्त के खून हैं, इसलिए आज का कह रही है। डॉक्टर, पिछले 9 सालों से ये संकल्प दिवस आप मना रहे हैं, लेकिन ये 10वां है, तो इस बार क्या खास रहा और इसमें क्या अलग आपको दिखा? खास रहा कि पहली बार अब तक सताए जा रहे थे, ये शिकार थे, पहली बार हिस्सेदार हैं कि अपनी कलम से इसको इनको मुख्यमंत्री संपदा योजना के माध्यम से इन्हें जो है पट्टे धारकों को अपने इनके विकास के लिए, इनके व्यापार के लिए पहली बार है मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, पहली बार है निषाद राज बोर्ड की स्थापना, पहली बार है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने भाजपा ने दिल्ली लेटर लिखा और पहली बार केंद्र ने उसको एक्सेप्ट किया, उस पर चर्चा शुरू की गई। ये सारे अचीवमेंट रहे हैं, इसको लेकर कार्यकर्ता हमारे ज्यादा उत्साहित हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से बता भी दिया और सब कुछ है कि हम लोग मिलकर आज बिना अटूट गठबंधन है इसी शक्ति को आगे बढ़ाते रहेंगे, आप संकल्प पूरा करते हैं।
तो आपको बता दें, गोरखपुर से खबर है। बता दें आपको कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार में हमारे सहयोगी के रूप में शामिल निषाद पार्टी का हम स्वागत करते हैं और निषाद बिरादरी के साथ ही अन्य उनसे जुड़े सभी बिरादरियों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है। हम सभी लोग मिलजुल कर सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि 13 जनवरी 2013 को हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी, तभी से हम अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। पहले ही सरकार हमारे समाज की झाबुआ भर वोट पौवा बिलाकर ले लेती थी और इस दौरान ही मुख्यमंत्री जी के मंच पर पहुंचते ही निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उद्बोधन को शुरू करने से पहले जय श्री राम और जय निषाद राज के नारे लगाने के बाद अपना उद्बोधन शुरू किए। उन्होंने कहा कि निषाद समाज और मछुआ समाज के लिए हम कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। हम उनके हर एक सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आरक्षण या उनके रोजगार का मसला हो। सरकार हर मुद्दे पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और इस दौरान पूरे देश से आए निषाद पार्टी के लाखों कार्यकर्ता में एक अलग जोश और उमंग देखने को। बीच बीच निषाद के पार्टी के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार के पक्ष में लगातार नारे लगाते दिखे। चौपाल में उपस्थित उप जिला अधिकारी रितु चौधरी ने सर्वप्रथम ग्रामीणों की मनरेगा जॉब कार्ड आदि संबंधित शिकायतें सुनी है। ग्रामीणों ने अपनी कई प्रकार की समस्याएं रखे हैं और चौपाल में मुख्य रूप से छुट्टा पशुओं का मुद्दा छाया रहा। संतोष कुमार, महेश कुमार सैनी, शिशुपाल, सुभाष, माया देवी आदि ने कई समस्याओं को रखा। उप जिलाधिकारी रितु चौधरी ने छुट्टा पशुओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जो भी पशुपालन पशुओं की खुले में ही छोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप क्षेत्र अधिकारी सुनीता दहिया ने कहा है कि बच्चों पर नजर रखे, नशा मुक्ति अभियान के तहत नया सवेरा के माध्यम से नशे के कारोबार को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी से अपने बच्चों को नशे से दूर रखने और हेलमेट लगाने के लिए उन्होंने अपील की है। यूपी के पीलीभीत जनपद की बिसलपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें आपको कि पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के नेतृत्व में ही चलाए जा रहे अपराधों की रोकथाम को लेकर बिसलपुर कोतवाली पुलिस ने रिछुलिया गाँव से बाहर मेहर अली के बाग से एक अभियुक्त तैयब उर्फ तो याब पुत्र अनवर खान निवासी ग्राम नांद अगनी थाना फरीदपुर जनपद बरेली को अवैध शस्त्र बनाने के सामान और अवैध शस्त्रों के सहित गिरफ्तार भी कर लिया है। वही एक आरोपी मुंशी शाह पुत्र सदीक शाह फरार हो गया है। बता दें आपको कि गिरफ्तार हुए आरोपी को बिसलपुर कोतवाली लाया गया है, जिसके बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके खिलाफ पहले से ही कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। फैक्ट्री पकड़ी गई, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? प्रभारी निरीक्षक बीसलपुर के द्वारा टीम गठित करके सूचना पर उन्होंने एक असलाह बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जो रिछौलिया क्षेत्र के जंगल में बनाया करते थे। इसके पूर्व भी इनके ऊपर काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें खासतौर से दो लोग तैयब और तोयबा हैं, जो फतेहपुर जनपद बरेली के रहने वाले हैं, और मुंशी शाह हैं, ये रिछौलिया के ही रहने वाले हैं। इनके द्वारा बनाया जा रहा था, कल इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से भारी मात्रा में बना और अनबना असलाह, इसके साथ कारतूस और सारे ऊपर बरामद हुए हैं। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, बाकी आगे कार्रवाई की जा रही है। तो पीलीभीत से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का ये मामला सामने आया है और एक आरोपी फरार इसमें बताया जा रहा है, वहीं एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ पीलीभीत से हमारे सहयोगी प्रांजल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल, अवैध शस्त्र के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और इस मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक की क्या अपडेट रही है? जी, आपको बताना चाहेंगे, लगातार अपराधियों की धरपकड़ को लेकर जो अभियान जो लगातार पुलिस की तरफ से जो चलाया जा रहा, उसमें
कई तरीके के मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिस तरीके अब लगातार जो है शस्त्र लाइसेंस, शस्त्र की जो अवैध फैक्ट्री है, उसके अलावा शराब की तस्करी, इन सब चीजों को लेकर जो रोकथाम को लेकर लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इसी मामले में जो बीसलपुर कोतवाली में जो है एक आरोपी जो है गिरफ्तार किया गया, असला अवैध शस्त्र लाइसेंस फैक्ट्री जो है यहाँ पर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, एक आरोपी अभी वहीं फरार बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं लगातार इसको लेकर खुलासा जो है पुलिस ने किया, अभी जो जो आरोपी अभी फरार है उसको लेकर जो है तलाश उसकी जो है की जा रही है। जी जी प्रांजल, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस की तरफ से अभियान भी चलाया जा रहा है, तो इससे पहले भी जो अभियान चलाया गया था उसमें भी कई आरोपी पकड़े गए थे, तो पुलिस की और क्या कुछ कार्रवाई रह सकती है आरोपियों के ऊपर? जी पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार इस मामले में जो है कर रही है, लगातार इस तरीके की जो है धरपकड़ भी जो है की जा रही है, और जो अपराधों की जो रोकथाम है उनको लेकर जो है लगातार अभियान जो है इस तरीके से पुलिस द्वारा जो है चलाए जा रहे हैं। वही जो ये जो बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में जो रिछोलिया गांव है उसके बाहर जो है एक आरोपी को जो है बाघ में जो है अवैध शस्त्र फैक्ट्री के साथ में जो है गिरफ्तार किया है। जो आरोपी है वो बरेली के बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी एक आरोपी जो है इसमें फरार चल रहा है, उसकी भी जो है जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी करने की बात चल रही है, उसमें जो है संगीन धाराओं में जो मुकदमा भी यहाँ पर जो है दर्ज कर जेल भी भेज दिया गया है। जी जी प्रांजल, जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो फैक्ट्री है वेद शस्त्र फैक्ट्री चल रही थी, ये कब से चल रही थी, इसके बारे में कुछ जानकारी सामने आ पाई है कि पुलिस की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं रह पाई इस पर? जी इस तरीके की ये कोई बात अभी सामने नहीं आई है कब से जो है ये फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन जो मुखबिर द्वारा जो सूचना जो पुलिस को मिली है उस मुखबिर की सूचना के आधार पर जो है पुलिस ने जो है इसमें जो है गिरफ्तारी इसमें की है और असला जो है बरामद किया भारी मात्रा में। जी जी प्रांजल, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो पीलीभीत से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का ये मामला सामने आया है, और ये भी जानकारी सामने आई है कि अवैध असला इसमें बरामद कर लिया गया है, और इसके साथ ही एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, वहीं एक आरोपी पूरे मामले पर फरार बताया जा रहा है। सदर कोतवाली अनुग्रत आजाद पूरा निवासी राजेश दुबे पुत्र रमेश दुबे, उनके साथ सदर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला चांद्र मारी निवासी अभिषेक पुत्र राज बाबू, ये चारों लोग ललितपुर से ग्राम गुड़ा एक प्रोग्राम सम्मिलित होकर वापस घर लौट रहे थे कि ग्राम जिला महरौली थाना अंतर्गत पहुंचे ही थे कि चालक अपनी कार से अपना नियंत्रण खो बैठा और कार पहले पेड़ से टकराई, फिर 10 फीट गहरी खाई में गिरी, जिसमें कार में सवार चारों लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के द्वारा जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहां पर चारों की हालत नाजुक होने पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं मौके पर ग्रामीणों की सहायता से सभी घायलों को कार से बाहर निकाला और आनन फानन में ही जिला चिकित्सालय भेज दिया। और आपको बता दें कि नाते रिश्तेदारों को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली तो जिला चिकित्सालय में लोगों का तांता लग गया। ललितपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कार असंतुलित होकर पेड़ से पहले टकराई, उसके बाद खाई में जा गिरी है। बता दें आपको कि गाड़ी में चार लोग सवार बताए जा रहे हैं, जो सभी घायल हो चुके हैं हादसे में, और उसके बाद फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर भी कर दिया गया है। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के अपर खच्चे उड़े हुए बताए जा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आपको बता दें 3:15 बजे करीब विकास खंड टुंडला के ही ग्राम कोटली पहुंचे थे, और जहां भाजपाइयों और जिलाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है, और इससे पूर्व पुलिस कर्मियों द्वारा ही उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद डिप्टी सीएम जन चौपाल में पहुंचे और ग्रामीणों की लिखित शिकायतें ली। फिरोजाबाद के विकास खंड टुंडला में गांव कोटकी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य
ग्राम चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे और जहां पर उन्होंने मंच से ही सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाने साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों दूसरों की जमीन और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे होते थे और शिकायत करने लखनऊ जाना पड़ता था, लेकिन ये बीजेपी सरकार है जो आपके द्वार आती है और ग्रामीणों की शिकायतें लेते हुए उन्हें कहा कि जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन सभी शिकायतों का निस्तारण जल्द कराया जाएगा। और साथ ही डिप्टी सीएम ने जिलाधिकारी को आदेशित किया है कि जिले भर में जिन लोगों ने सरकारी चकरोड़ों या फिर तालाबों और ग्राम सभा की जमीनों पर कब्जा कर रखा है उन सभी कब्जों को प्रशासन जल्द कब्जा मुक्त कराए, ऐसा न करने पर उन्हें के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं, इसलिए अधिकारी कर्मचारी के खेल भरोसे रहता है, वो जनता का सेवक नहीं होता है, जनता के सेवक है। सर, समाजवादी पार्टी कहती है निकाय चुनाव में आरक्षण को लेके ओबीसी का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती है। ओबीसी का आरक्षण हो, अनुसूचित जाति का आरक्षण हो, अनुसूचित जाति का आरक्षण हो, कोई दुनिया की ताकत न समाप्त कर सकती है न समाप्त होने देंगे। और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो मुद्दे की बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही कहा था बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। और ओबीसी आरक्षण देने के लिए ओबीसी डेडिकेटेड कमीशन का गठन करके हम सुप्रीम कोर्ट गए और माननीय न्यायालय का जो आदेश था उससे रोक लग गई, 3 महीने तक रोक आएगी और ओबीसी को आरक्षण से बचना होंगे। अखिलेश जी ने बोला पहाड़ ग्रामीणों की लिखित शिकायतें जो हैं अब वो सुनी जाएंगी, इसके साथ ही उन्होंने हमला भी किया विपक्ष पर। किशन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 किशन, जिस तरह से खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य ग्राम चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे जहां उन्होंने मंच से ही सपा और बसपा के साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा है और इसके साथ ही पिछली सरकारों दूसरे की जमीनों और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर भी उन्होंने बात कही है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि कल जो है करीब 3:30 बजे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है ग्राम कोटकी में जन चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने जो है जनता की समस्याएं सुनी और उनसे जो लिखित शिकायतें थी वो भी ली। इसके साथ ही उन्होंने कहा, स्पष्ट आदेश दिए उन्होंने मन से जिलाधिकारियों को, जहां जहां जो चकरोड़ है जिन पर लोगों ने कब्जा कर रखे हैं या तालाब के किनारे जो कब्जा कर रखे हैं या सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखे हैं उनको तत्काल ही 1 सप्ताह के अंदर उनको कब्जा मुक्त कराया जाए, अन्यथा के खिलाफ जो कि आला अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उन्होंने जो है सपा बसपा कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि ये वो सरकार नहीं है जो पहले जो शिकायतें लेकर लखनऊ जाना पड़ता था, आज की जो सरकार है भाजपा सरकार है वो आपके द्वार आती है। तो इसी तरीके से उन्होंने 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसका भी कुछ आगाज किया कि जनता जो है इस बात को समझे कि जो भाजपा सरकार है वो जनता के साथ है, ऐसा मैसेज देने की प्रयास किया। जी जी किशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।